हाँ क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? हाँ बाहर आ गए? आ रहा हूँ, एक मिनट और कीजिए। कोई काम में बिजी है क्या? ये एक मिनट, आ जाइए। हाँ हेलो भाई, बताइए। सवाल अभी मैंने किया था ना, उसका जवाब चाहिए भाई। कौन बोल रहे भाई? अब्दुल मुस्तफा मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। बताइए भाई। देखिए मेरे पास ज्यादा टाइम तो है नहीं, ज्यादा नहीं है, 5 मिनट की बात है। 10-15 मिनट से पहले पहले इंशाल्लाह बात हो जाएगी। जी जी। सवाल मैंने अभी जो किया है, कुरान की आयत पेश की है। अभी बताइए, किताब से मुराद तो कुरान करीम है, लेकिन ये बताइए नूर से मुराद क्या है? नूर से क्या मुराद है? आप क्या लेते हैं नूर से मुराद? हम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात मुबारक लेते हैं इससे। तो हम भी लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो नूर मानते हो? हाँ, अल्लाह के नबी तो भाई वो नूर है ही है। हाँ तो नूर भी है, मसर भी है। अच्छा, तो वाला नूर आप पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, वाला नूर नहीं है। अच्छा, और कौन सा नूर है? देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी भाई वो नूर हैं हिदायत के, तो बेशक अल्लाह के नबी नूर हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हो नूरी मखलूक हैं, वो नूर से बने हैं, नूर से पैदा हुए हैं, तो हम नहीं मानते भाई ऐसा बातें। लकीदा नहीं तो हमारा तुम नहीं, बाकी लकीदे की बात नहीं है। अब इसकी वजाहत ही तो करना चाह रहा हूँ ना। भाई आपने, मैंने अभी ऑडियो सुना था आपका यूट्यूब पर, वाइट साहब थे, उनसे आपके मुनाजरा हुआ था इसी टॉपिक पर, नूर के ऊपर, है ना? जी जी। तो आपने उनसे दलील मांगी थी, बेचारे के पास कोई सबूत नहीं था। तो दलील नहीं थी। अच्छा, कुरान पाक में, अच्छा आपके पास कोई दलील है ऐसी साफ तो, बिल्कुल मतलब बिना कोई शक और शुबा के, जिसमें आया हो कि अल्लाह के नबी नूरी मखलूक हैं? बहुत सी आयतें कुरान पाक में है, लेकिन उसको समझना हर किसी की बस की बात नहीं है। अल्लाह ताला जिसे नहीं, क्यों नहीं मेरे भाई, ऐसा आपने कैसे कह दिया? कुरान समझना बस की बात नहीं है? अब आपके समझ में नहीं आती तो आपने अपने ऊपर से कयास करके सबके ऊपर फतवा ठोक दिया। तो फिर आपके अगर समझ में नहीं आते तो आप सबको गलत समझते हैं? तो हमारे तो समझ में आ रही है ना मेरे भाई। आपसे उस दिन इल्मे गैस के, अल्लाह ताला सूरह अंबिया में कह रहा है कि हमने जितने भी पैगंबर भेजे वो तमाम के तमाम इंसान थे, बशर थे। बेशक बेशक, इंसान इंसान थे। लेकिन अच्छा, आपका अकीदा क्या है कि अल्लाह के नबी इंसान थे या नूरी मखलूक थे, या इंसान भी थे नूर भी थे, या जाहिरी इंसान थे बातिनी नूर थे, या आधे इंसान थे आधा नूर थे? दोनों। हाँ तो दोनों अकीदा, ये जो दोनों वाला अकीदा है ये आप कहाँ से लाए? न तो बताते हैं ना आपको, बताइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना को हिजरत की आपने, तो कुफार मुशरिकीन ने आपके घर का मतलब मुआवजा किया हुआ था। तो उससे क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से निकले तो आपने हाथ में कंकरिया या खाक लेके फेंकी, उसका जिक्र कुरान में भी है। अरे तो इससे नूर कहाँ साबित हो रहा है? आप मेन मुद्दा बताइए। अरे भाई सुनो ना। तो आपने जब खाक फेंकी तो अच्छे बताइए, खाक फेंकने से क्या वो अंधे हो गए थे क्या? बोलो, कुफार मुशरिकीन अंधे हो गए थे? अरे भाई वो अंधे हो, गूंगे हो, बहरे हो, उससे आपको क्या लेना देना? आप ये बताइए नूरी मखलूक है ये कहाँ लिखा हुआ है? आप नूर थे। अरे हद है मेरे भाई, मैं तो पहले कह रहा हूँ अल्लाह के नबी हिदायत के नूर थे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी को जो नूर ना माने वो तो जाहिल है, लेकिन बात हो रही नूरी मखलूक की, हम नूरी मखलूक नहीं मानते हैं। ऐसी वजाहत तो किसी, अल्लाह के नबी के माँ बाप कौन थे? नूरी मखलूक, अरे माँ का नाम आमिना था, बाप का नाम अब्दुल्ला था, ठीक भाई? ये दोनों इंसान थे, इंसान से इंसान पैदा होता है, इंसान से नूर नहीं पैदा होता है। जिस तरीके से बकरी पैदा होगी, बकरा पैदा होगा, उसी तरीके से भाई इंसान से इंसान पैदा होगा। अब कोई कहे कि नहीं बकरी से गाय पैदा हो रही है, गाय से कुत्ता पैदा हो रहा है, तो हम थोड़ी ना मान लेंगे। ये तो अल्लाह ताला का जो भाई वो निजाम है उसके उसके उलट बात आप कर रहे हैं। तो इंसान से इंसान पैदा होता है मेरे भाई, आपको इतना बेसिक नहीं मालूम है? नहीं तो आपके नजरिए में हमारे नजरिए में फर्क है।
तो नजरिया भाई उसका सही होगा जिसका कुरान हदीस से साबित होगा, आपका साबित ही नहीं है तो आपका नजरिया बातिल हो गया। अच्छा तो आप कहाँ से साबित कर सकते हैं कि आप मतलब नूर हिदायत का नूर कहाँ से साबित कर रहे हैं, बताइए आप कौन सी हदीस में हिदायत का नूर। अरे मेरे भाई अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहा है ठीक है कि जो अल्लाह के नबी हैं भाई वो तुम में से किसी के बाप नहीं है, वो अल्लाह के नबी हैं, समझ रहे हैं, आखिरी नबी हैं और वो रहमत है हिदायत है। हाँ तो रहमत भी तो कहा है ना, अब ये बताइए रहमत तो खुदा ने बारिश को भी कहा है तो खुदा के फजल को भी अपने फजल हाँ को तो भी ये नहीं कह रहे ना अल्लाह के नबी रहमत की मतलब भाई वो मखलूक है, हम ये कह रहे हैं उनके अंदर एक क्वालिटी है कि भाई वो अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो रहमत थे नूर थे ठीक है दयावान थे दयालु थे ईमानदार थे सादिक थे सच्चे थे, रहमत मानते हम उनको मखलूक नहीं मान रहे ना कि वो मतलब भाई वो मखलूक थी। बरेलियों का बातिल अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह सुबहान व तआला ने अपने नूर से पैदा किया माशाल्लाह, और ये मनगढ़ंत बातों से वो अपना अकीदा बनाते हैं जबकि अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहा है कि हमने इंसानों को मिट्टी से बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। बेशक बेशक तो एक तरफ आप अल्लाह की बात मानोगे या अपने बरेलवी आलिमों की बात मानोगे, किसकी बात मानोगे? अगर हमारे पास दलील होगी तो तब उसको हम एतमाद करेंगे ना, बिना दलील तो दलील आपके पास क्या है कि अल्लाह ताला ने अपने अपने मतलब वो नूर से पैदा किया माजल्ला? अल्लाह ताला तो भाई वो सूर्य क्लास में कह रहा है कि ना तो अल्लाह किसी से पैदा हुआ है ना ही अल्लाह ने किसी को पैदा किया है, और बरेलवी अकीदा ये है कि माजल्ला अल्लाह ने अपने नूर से पैदा कर दिया। तौबा तौबा नहीं 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 ये तो एक लुकवी एतबार से कहा जाता है कि पैदा किया तो क्या अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा किया, बनाने वाला है वो तकलीफ करने वाला तो पैदा कौन सा किया? तो आप दीन मतलब किस मतलब अल्लाह के नबी को आप क्या समझते हैं कि नूर से पैदा किया या नूर से बनाया? नूर से पैदा किया तो पैदा किया ना, तो बनाया बोलने में आपको क्या दिक्कत है? आप ये कह दीजिए कि अल्लाह ने अपने नूर से अल्लाह के नबी को बनाया, लेकिन एक होता है कि अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया तो पैदा तो अल्लाह करता ही नहीं है ना, तो अल्लाह ताला पैदा हुआ है, और बनाया की रही बात तो अल्लाह ने अपने नूर से कहाँ बनाया, कहाँ लिखा है, कहाँ अल्लाह ने कहा कि ये मेरा नबी तो सबसे अलग है, मैंने बाकी सबको मिट्टी से बनाया आखिरी नबी को मैंने अपने नूर से बनाया, कहाँ लिखा है ये बात? ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो जब कहीं नहीं लिखा हुआ है तो ये अकीदा उम्मत में कैसे घुस गया, किसने घसोड़ दिया? मैंने किया इस बात का दावा। अरे आपने भी कहा ना कि हम अल्लाह के नबी को आधा इंसान मानते हैं आधा नूर मानते हैं, जब कुरान में दोनों सिफात बयान की गई हैं, अल्लाह के नबी को बसर भी कहा गया और नूर भी कहा गया, तो हम तो भाई दोनों मानते हैं। अब अल्लाह ताला आलम जी जो बेहतर जानता है, अल्लाह ताला ने जब दो सिफात बताई है, अल्लाह ताला ने जितने पैगम्बर भेजे वो सबके सब इंसान थे बशर थे, तो आज की तारीख में हमारा अकीदा क्या होना चाहिए? अरे सुन ले मेरे प्यारे भाई, आज की तारीख में आपका हमारा और सारे मुसलमानों का अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह के नबी एक इंसान थे बशर थे, लेकिन वो इंसानों में सबसे अजीम इंसान थे सबसे बढ़िया इंसान थे, सारी इंसानियत भी अगर जमा हो जाए तो अल्लाह के नबी के मुकाम तक नहीं पहुँच सकती, और वो नूर थे भाई, वो नूर थे भाई, वो रोशनी थे भाई, वो मतलब सच्चाई की ठीक है, और भाई वो हिदायत तो, की रोशनी थे इस मानने में वो नूर थे, लेकिन नूरी मखलूक नहीं थे। आप लोग का कहना है कि वो नूरी मखलूक है, नूर से बने हुए हैं। नूरी मखलूक किसने कहा? मैंने कहा। आपने नहीं कहा, आपके बरेलवियों का तो अकीदा है। बरेलवियों का अकीदा होगा तो दलील होगी ना उनके पास, जब दलील होगी ना, यही तो अंधी तकलीद है भाई, बिना दलील के किसी की बात को मान लेना अंधी तकलीद है, तो आपने अंधी तकलीद क्यों कर ली अपने आलिमों से? अपने आलिमों से कहिए हाँ तो बुरा तुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो तो भाई अपना सबूत पेश कीजिए। आपने ये कैसे मान लिया कि मैंने इसको इस बात को मतलब मान लिया जब मेरे पास? अभी आपने तो अपनी जबान से कहा कि मैं दोनों मानता हूँ, नूर भी मानता हूँ बशर भी मानता हूँ। तो कुरान में है ना, कुरान में है ना, कहाँ है कुरान में कि अल्लाह ताला नूरी मखलूक है? नूर भी कहा गया, अल्लाह ताला ने नूर भेजा, नूर कहा ना, लेकिन नूरी मखलूक तो भाई नहीं बताया ना, मखलूक तो इंसानी मखलूक बताया। नूरी मखलूक कौन से साहबा का अकीदा ये था कि अल्लाह के नबी नूरी मखलूक है? एक साहबी का नाम बताओ। ये भाई हमने कब कहा कि नूरी मखलूक है? आप कुछ कह भी नहीं रहे तो बहस क्यों कर रहे हो मेरे भाई? फोन काटो, क्यों मेरे भाई डिस्टर्ब करते हो फोन करके? हेलो हेलो
दो सिफात कुरान में जब अल्लाह तबारक तआला ने बयान फरमाई है, हमने दो सिफात बता दी हुजूर की दो सिफात। अरे यही दो सिफात तो हम भी मानते हैं, तो हमसे बहस क्यों कर रहे हो? हम तो कह रहे हैं भाई वो हिदायत के नूर थे, लेकिन वो थे इंसान, वो भाई वो नूरी मखलूक नहीं थे। आधी अधूरी बात छोड़ के उस दिन आपने फोन काट दिया था, आपने कहा उस दिन इल्मे गैब के टॉपिक पे बात चल रही थी ना, तो इल्मे गैब के ऊपर मेरे भाई मैंने आपको बता दिया ना, इल्मे गैब एक पावर है, वो सिर्फ अल्लाह सुबहान तआला के पास है, उसके अलावा किसी नबी को नहीं है, किसी वली को नहीं है। आपने ये कहा कि अंबिया अलैहिस्सलाम को उमूरे गैब होता है, तो उमूरे गैब कहाँ से पढ़ा आपने, कौन सी किताब से पढ़ा, कौन सी हदीस से पढ़ा कि अल्लाह के नबियों को उमूरे गैब होता है, ये बताइए। तो माज अल्लाह आपका अकीदा इतना गंदा हो गया है कि आप अल्लाह के नबी का उमूरे गैब नहीं मान रहे? नहीं तो आपने नहीं, तो फिर आपको नहीं, तो फिर आपको गैब की बातें किसने बता दी कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल को मारेंगे, ये सब आपको मतलब भाई किसने बता दिया? नहीं तो आपका आपको अपने आप से मालूम पड़ गया, क्या किया अपनी तरफ से भाई? हर चीज में कयास करना पड़ता है क्या आपके हिसाब से मेरे भाई? इसमें कौन सा कयास है? नहीं तो ये बताइए, अल्लाह ताला ने अपने नबी को गैब की बातों का इल्म दे दिया, उसको उमूरे गैब कहते हैं, तो ये कयास हो गया हदे मेरे भाई? तो बात सुनो, अब मैं आपसे कहूँ भाई ये चावल है, ये भाई ये रोटी है, ये सब्जी है, आप कह दोगे ये कयास है? अरे भाई मैं चावल को चावल कह रहा हूँ, रोटी को रोटी कह रहा हूँ, सब्जी को सब्जी कह रहा हूँ, उसी तरीके से उमूरे गैब को उमूरे गैब कह रहा हूँ। अरे उमूरे गैब की तारीख आपने उस दिन ये बताई थी कि किसी चीज का गैब की खबर का पहुँच जाना उमूरे गैब कहलाया जाता है। ये तो उमूरे गैब वो होता है जो अल्लाह सुबहान व तआला छुपे हुए गैब की जो बातें होती है वो अपने नबी को बता देता है, वो उमूरे गैब होता है। और इल्मे गैब होता है जो भाई वो हवा से खमसा के बिना मालूम चल जाए। हाँ तो वही तो बात है ना, आपने कहा कि उमूरे गैब होता है, तो सारे अंबिया को उमूरे गैब होता है क्या? हाँ मेरे भाई, जितना अल्लाह ताला अपने नबी को बता देता है उतना उनको होता है, पूरा मुकम्मल हर चीज का इल्मे गैब किसी नबी को नहीं है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, और जो पैगंबर हैं उनको उमूरे गैब था, और खास खास को अल्लाह तबारक ने इल्मे गैब पता किया कुरान साबित से। इल्मे गैब अलग है, फिर मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला खुद कह रहा है अगर इस जमीन और आसमान का इल्मे गैब सिर्फ अल्लाह को है। ये तो उमूरे गैब तो फिर उलमा इकराम भी जानते हैं ना कि कयामत आएगी, अल्लाह एक है, मेरा तो वो अल्लाह ने आलम दीन को डायरेक्ट भाई को नहीं बताया। हाँ तो डायरेक्ट तो फिर अम्बिया अलैहिस्सलाम को नहीं बताया, मतलब डायरेक्ट बताया, फरिश्ते को भेज के डायरेक्ट खबर पहुँचा दी। अरे तो वसीला तो हुए ना जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए, तो बताया कोई डायरेक्ट बताया? अरे अल्लाह के बंदे आप मतलब ये इल्मे गैब और उमूरे गैब में दोनों में मतलब एकदम मिक्स हो रहे हो, उलझ रहे हो, खिचड़ी पका रहे हो, आपको दोनों अलग अलग समझना पड़ेगा। देखिए इल्मे गैब होता है जो बिना किसी हवा से खमसा के मालूम चल जाए, यानी कि अल्लाह ताला ही कोई इल्मे गैब है कि कब क्या होगा, क्योंकि पूरी कायनात अल्लाह सुबहान व तआला के भाई कब्जे कुदरत में है, ठीक। लेकिन उमूरे गैब वो होता है कि अल्लाह ताला को होने वाली कोई बात पहले से ही अपने नबी को अगर बतानी हो तो वो अल्लाह सुबहान व तआला कुछ गैब की बातों को भाई अपने नबी को बता देते हैं, वो उमूरे गैब होती है। तो वो मतलब डायरेक्ट बता, अल्लाह तबारक ताला डायरेक्ट बताता है, या मतलब जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के जरिए बताता है इल्म की खबर, ये बताइए भाई। उसकी अलग अलग कैफियत होती है, वही के जरिए बताता है, फरिश्ते के जरिए बताता है, ख्वाबों के जरिए बताता है, दिल में बात डाल देता है, उसकी अलग अलग कैफियत होती है। तो नबी का जो ख्वाब होता है वो तो सच्चा होता है? तो मेरे भाई मैंने कब दावा किया कि नबी का ख्वाब झूठा होता है? हाँ तो फिर तो इल्मे तो वही तो इल्मे गैब हुआ ना, बिना जिब्रील के भी मतलब इल्मे गैब पता कर देता अल्लाह ताला ख्वाब के जरिए भी। इल्मे गैब आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, इल्मे गैब होता है जो हवा से खमसा से खाली हो, यानी कि ना तो कोई अकल उसको सोच पाए, ना ही भाई कोई कान उसको सुन पाए, ना ही जबान उसको बोल पाए, ना ही कोई मतलब वो सूंघ के पता लगा पाए, मतलब जो किसी भी तरीके से मालूम ना कर पाए, छू के बोल के सूंघ के पढ़ के लिख के पूछ के, मतलब बिना किसी मतलब वो जरिए के आपको खबर मालूम चल जाए। अरे तो इसी चीज का तो ख्वाब तो एक जरिया है ना, अल्लाह ताला जरिए के भाई वो बता रहा है ख्वाब के जरिए। अच्छा ख्वाब का हाँ, जरिया हो गया अल्लाह ताला तो को गैब जानने के लिए, अल्लाह ताला को सोना भाई वो मतलब भाई वो जरूरी नहीं है, अल्लाह ताला को ख्वाब देखना जरूरी नहीं है,
अल्लाह ताला के पास भाई ये अल्लाह ताला के लिए मुहाल वही नहीं आती है, ये अल्लाह ताला के लिए मुहाल है। क्या आप कहा ना कि सोना और ख्वाब देखना ही अल्लाह ताला के लिए मुहाल है, ये अल्लाह ताला की सिफात नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अल्लाह को ऊंग नहीं आती, जब ऊंग नहीं आती तो सोना तो दूर की बात है। तो फिर यही तो बात है ना, अल्लाह ताला तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इल्मे गैब की पावर सिर्फ अल्लाह को है। अल्लाह ताला को जाती इल्मे गैब है, वो सब कुछ पता कर लेता है बिना किसी जरिए के। लेकिन अल्लाह के नबी को, अल्लाह के नबी को, अल्लाह के नबी बिना किसी जरिए के खुद से मालूम नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। वो अल्लाह ताला ही बताते हैं, अल्लाह ताला ही बात दिल में डालते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये बताइए अल्लाह तबारक ताला तो खुद गैब है ना? अल्लाह ताला तो खुद गैब है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा अच्छी रात में अपनी माथे की आंखों से देखा, तो आप और कोई गैब क्या रहा जब खुदा ही ना छुपा? भाई क्या अल्लाह के नबी ने अल्लाह सुबहानो ताला को अपनी आंखों से देखा? इस टॉपिक पे आप अपने किसी आलिम से मेरी बात करवा दीजिएगा, ये बहुत मतलब भाई पेचीदा टॉपिक है। अरे पेचीदा टॉपिक है भाई, कुरान ये आपके है समझ में नहीं आएगा। इसमें कितने सारे अकवाल आए हैं, ठीक है अकवाल आए हैं तो उसके लिए दलील भी तो होंगी। कोई कहता है भाई वो दिल की आंखों से देखा, कोई कहता है कि अल्लाह को नहीं भाई वो फरिश्ते को देखा, कोई कहता है नहीं ख्वाब में देखा। तो इसमें बड़े बड़े अलग अलग अकवाल हैं। किसने कहा फरिश्ते को देखा? अरे आपको मैं सीधी बात आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मुस्लिम शरीफ की भाई ये मतलब ये हदीस है, बुखारी मुस्लिम में आती है कि अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो शख्स ये बोले कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा वो झूठा है। अब बताइए वो झूठा है तो हदीसें तो और भी बहुत है, खाली इसी हदीस को क्यों मानते हो? तो मतलब अल्लाह के नबी की बीवी से ज्यादा आप जानते थे? नहीं नहीं हो सकता, माँ आयशा कह रही हैं कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह को नहीं देखा। तो हमारा अकीदा क्या है? हम ये मानते हैं कि अल्लाह के नबी ने अपनी आंखों से अल्लाह को भाई नहीं देखा, अपने दिल से अल्लाह को देखा। हो सकता है ये मौजू हदीस हो। अच्छा बुखारी में मौजूद हदीस क्या आपके अब्बा ने जाके वहाँ पे भाई वो उतार दी थी, लिख दी थी? नहीं तो मौजूद हदीस किसको बोलते हैं बताइए? अरे बुखारी में मौजूद हदीस, पागल अगल हो गए हो क्या, भांग भांग पी के फोन की हो? बुखारी की हदीस बदल दिया होगा, यही तो फर्क है। अरे मेरे भाई तुम अपने फारूक खान लैपटॉप बाबा से पूछो, उसको भी मालूम है कि बुखारी की हदीस है कि अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो ये कहे कि उसने अल्लाह के नबी को देखा, मतलब अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा, वो झूठा है। अच्छा तो कुरान में जो मतलब मेराज का वाकया पेश किया गया है तो उसमें तो ये है कि एक या डेढ़ कमान के फासले से देखा? अरे मुस्नद अहमद की हदीस है कि अल्लाह के नबी पहले आसमान पे गए, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पांचवे पे, फिर छठे पे गए, सातवें पे नहीं गए, और अल्लाह सुबहानहू ताला सातवें आसमान के ऊपर अर्श के ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अर्श पे है या अर्श से जुदा है? अर्श पे है या अर्श से जुदा है? अर्श के ऊपर कायम है, जलवा फरोश है। अब वो कैफियत क्या है ये अल्लाह सुबहानहू ताला बेहतर जानता है। ये आपने कहाँ से मतलब पढ़ा कि अल्लाह ताला भाई कुरान में सूरे ताहा की आयत नंबर 5 में आयत सुनाओ, रहमान अपने अर्श पर कायम हुआ तो इसमें मतलब ये तुम्हें ये वजाहत मालूम हो गई कि अल्लाह ताला मतलब अर्श पर कायम हो गया भाई, मुस्तवी हुआ। अब कैसे हुआ ये अल्लाह सुबहानहू ताला बेहतर जानता है। तो ये कैफियत हमको नहीं पता है ना, हम अर्श के ऊपर देख के आए हैं। ताला मतलब अर्श पे बैठा है या अर्श पे वो हुआ? हमारे वो बैठा है, लेटा है, खड़ा है, मेरे को नहीं मालूम, कैफियत नहीं पता। अल्लाह ने जितना बोल दिया हम उतना मानते हैं। हाँ तो कैफियत तो नहीं लगा सकते ना अपनी तरफ से, तो हम कब कैफियत बता रहे हैं भाई? तुम भी तो पूछ रहे हो कि अर्श पे है या अर्श से अलग है, जुदा है भाई, ये बिदती सवाल तो आप पूछ रहे हो। तुम अहले हदीस कहते हो ना क्या अल्लाह ताला अर्श पर है? हम नहीं है भाई, अल्लाह के नबी ने तालीम फरमाई है, अकीदा बताया। तो ये तो मैंने भाई मुस्लिम की हदीस से एक बांदी होती है, एक बांदी से अल्लाह के नबी पूछते हैं एन अल्लाह, यानी कि बता अल्लाह कहाँ है, तो वो बांदी कहती है कि अल्लाह आसमानों में, और अल्लाह के नबी पूछते हैं कि बता मैं कौन हूँ, तो वो बांदी कहती है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी हैं।
तो वो तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि ये जो बांदी है ये मोमिना है, इसको आजाद कर दो। तो अगर अल्लाह ताला आसमानों पे टॉप पे ऊपर ना होता तो अल्लाह के नबी उसको टोकते ना, ए बांदी तुम ये क्या कह रही हो, तुम तो कहो अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो ये तो नहीं कहा अल्लाह के नबी ने। बहुत सारी कुरान की आयतें और हदीसें ऐसी हैं कि उसका जाहिरी अगर मतलब लिया जाए तो आदमी गुमराह हो जाएगा, कुफ्र कर बैठेगा। नहीं तो कौन सी आयत का हमने जाहिरी माना ले लिया बताइए, जाहिरी मान लिया। अच्छा ये बताइए कुरान करीम में रब तबारक ताला फरमाता है वमा करू वमा कर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, इसका तर्जुमा क्या लिया है आपने? उन्होंने भी भाई वो मतलब जो काफिर थे ठीक है उनके बारे में ये आयत आई थी कि उन लोगों ने भी प्लान किया और अल्लाह ने भी भाई वो प्लान किया ठीक, और अल्लाह ताला सबसे माहिर है प्लान करने में। किसने तर्जमा किया है ये? तुम्हारी जमात में से किया किसी? सही इंटरनेशनल। अच्छा आया यार जो सऊदी अरब में मेरे भाई कुरान बांटा जा रहा है ना फ्री में मक्का मदीना में, वाला ट्रांसलेशन खोल के पढ़ लें। लेकिन कुछ जाहिलों ने मकर का तर्जुमा मतलब वो मक्कारी से कर दिया है कि मतलब तो उन्होंने मक्कारी की अल्लाह ने भी मक्कारी की माजल्ला, ठीक है ये तर्जुमा बिल्कुल गलत है। मकर का माना होता है प्लानिंग करना। हाँ तो मगर के तो बहुत सारे मतलब है ना तौर पर बहुत सारे, तो आपने मतलब गलत माना क्यों लिया, ये आपकी गलती है ना। आपको तफसीर आपको तफसीर हदीस साहबा का अमल अकीदा सब देखना चाहिए था। आप जाहिरी माने तो कुरान को समझोगे तो गुमराह हो जाओगे। नहीं हम इसे जाहिर को नहीं लेते, हमारे इमाम अहमद रजा ने इसका तर्जमा ये इससे अलग किया जो तुमने बताया ना कि काफिरों ने मतलब मगर के फ्लैट किया और अल्लाह ताला ने प्लानिंग की और अल्लाह बेहतर मतलब तदबीर यानी कि प्लानिंग से मुराद तदबीर करने वाला है बेहतर, क्योंकि उसमें है ना वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तो खैर के मायने के होते हैं अच्छा, तो जो अल्लाह तबारक ताला ने अच्छी प्लानिंग। तो वही तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला सबसे माहिर है प्लान करने में। हाँ हाँ तो अल्लाह की सिफात है ना तदबीर करना। ये आपके आला हजरत भी कोई दूध के धुले नहीं है, उन्होंने भी सूरह फतेह की आयत नंबर 2 के भाई तर्जुमे में तारीफ की है ठीक है। अच्छा क्या अब आप आए टॉपिक पे, यही टॉपिक मैं आपसे सुनना चाह रहा था, इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब दूंगा, तफसीर उसके अंदर मौजूद है। अरे भाई है, आप किसी आलिम को ले जाइए, मैंने 15 मिनट आपसे बोला था, 15 मिनट आपके खत्म हो गए। अरे 15 मिनट नहीं भाई, तुमने मैंने एक ऑडियो सुनी थी, आपने कहा था क्या बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए थे और ये हदीस भी मतलब आपने बताई थी क्या मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते थे ये आयत पढ़ पढ़ के, जरूर ये क्या वो आपके हक में नाजिल हुई थी आयत करीमा? हमारे आला हजरत ने तो ये तर्जमा किया है कि अल्लाह ताला गुना पक्ष आपके आपके सत्य में आपके अगलों के और पिछलों के, ये तर्जमा क्या है? हाँ तो आपके आला हजरत का चलिए मान लिया बहस के तौर पे कि उनका तर्जुमा सही है सूरह फतेह की आयत नंबर 2 का कि ऐ नबी हमने आपके सदके में लोगों के अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया ठीक है। तो ये लोग कौन है जिनके अगले पिछले मतलब गुनाह माफ हो गए, चलिए आप बताइए। बताऊंगा ना मैं तफसीर पढ़ के अभी और मेरे याद नहीं रही। और गुनाह अगर अगले पिछले माफ हो गए तो आदमी नमाज क्यों पढ़ रहा है, रोजा क्यों रख रहा है, जकात क्यों दे रहा है, हज क्यों जा रहा है? आप ये पेचीदा बात कर रहे हैं और मन से। अरे पेचीदा बात क्या मेरे भाई, नमाज छोड़ना गुनाह है ना, नमाज छोड़ना गुनाह है। अगर किसी ने भाई को नमाज छोड़ दी तो उसके अगले पिछले तो गुनाह बख्शे हुए, तो नमाज पढ़ के फायदा क्या? हेलो टॉपिक से भागना नहीं। अरे मेरे भाई आप किससे बात कर रहे हो, आपको मालूम नहीं मैं भागता नहीं हूँ, मैं लोगों को भगा देता हूँ। आप फंसे हो बेटा, तुम फंसे हो भाई, ये अपने दिल को आप भाई तसल्ली दे रहे हैं कि आप फंसे हो आप फंसे हो। अरे अरे सूरह फतेह की आयत नंबर 2 पे आपका कोई अल्लामा भी मुझसे बात नहीं कर सकता है। अरे इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो आपने भी बात कही है कि अगर गुनाह बख्शे गए तो फिर तो गुनाह भी कर सकते हैं, तो मतलब गुनाह माज अल्लाह तुम्हारी नियत ये है कि सहाबा इकराम को जाहिरी हयात में ही अल्लाह तबारक ताला ने मतलब ये हुजूर ने फरमा दिया कि मेरे सहाबा मतलब जन्नती हैं और 10 10 सहाबा हैं, तो क्या माज अल्लाह वो नमाज छोड़ देते? कितना गंदा अकीदा तुम्हारा भाई। उनको बशारत दी गई थी कि वो जन्नत में जाएंगे। अरे तो बशारत दे दी गई, बशारत दी गई थी ना यहाँ पे, तो आपके आला हजरत ने कुरान का तर्जुमा कर दिया कि लोगों के अगले पिछले गुनाह माफ हो गए। तो जब गुनाह ही माफ हो गए हैं तो गुनाह कर भी लेंगे तो क्या फायदा, अगले पिछले गुनाह माफ हो रहे हैं ना यहाँ। तो सहाबा इकराम को जब सहाबा को बशारत में ये नहीं मिला था कि यहाँ तुम लोग जन्नत में जाओगे, अब तुम लोग मतलब भाई अगले पिछले गुनाह माफ है, वहाँ गुनाह नहीं माफ हो रहे थे, वहाँ पे ये था कि आप जन्नत में जाएंगे बशारत है। लेकिन यहाँ पे तो अगले यानी कि होने वाले गुनाह भी माफ हैं और हो चुके गुनाह भी माफ हैं, तो हो चुके गुनाह तो माफ हैं। चलो
अब आने वाले गुनाह भी अल्लाह ने पहले माफ कर दिया उम्मत के, तो उम्मत तो गुनाह करती जा रही है, यानी कि सब माफ है, तो नमाज पढ़ के फायदा क्या? बशारत दे दी गई, जब बशारत दे दी गई और हुजूर के जवाने मुबारक से ये कलमा मतलब खिलवाया गया कि हुजूर फरमाते हैं कि मेरे 10 सहाबा यानी कि हजरत मुबशरा जो है उनको जन्नत की बशारत दुनिया में ही दे दी गई, तो भाई को नमाज नहीं पढ़ा। आला हजरत ने सूरह फतेह की आयत नंबर 2 का जो तर्जुमा किया है कि ऐ नबी हमने आपके सदके में या आपके सबब से लोगों के अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया, तो ये लोग कौन हैं? ये सहाबा के बारे में लोग आ रहा है या ता कयामत तक के आने वाले लोगों के बारे में आ रहा है, ये लोग हैं कौन? अच्छा ये बताइए, आपने जब ये आयत करीमा पढ़ी और उसका तर्जमा आला हजरत का पढ़ा, तो ये बताइए आपने सुना है या पढ़ा है ये है? ये भाई आला हजरत का भी तर्जमा पढ़ा है, ताहिरुल कादरी का भी तर्जमा पढ़ा है, ठीक है। ताहिरुल कादरी को तो हमारी जमात से बाहर कर दिया गया। अरे आपकी जमात से देख लीजिएगा, कुछ दिनों में मेरे भाई आला हजरत को भाई को बाहर कर दिया जाएगा। ये मुनाफ़त हमारे अंदर नहीं है। क्यों मेरे भाई, अभी तक तो ताहिरुल कादरी के बयानों पे झूम झूम के मतलब नाचा जाता था, सुभान अल्लाह के नारे लगाए जाते थे, नारे तकबीर कही जाती थी, अब ऐसा क्या हो गया? अहले सुन्नत एक वाहिद जमात बरेलवी ही है, क्योंकि इसमें अगर कोई अपना भी होता है भाई तो अहले सुन्नत बरेलवी है, ये तो आज तक किसी भी मुहद्दिसीन ने भाई नहीं कहा, यहाँ तक कि आपके पुराने पीर शेख अब्दुल कादरी जिलानी रहीमुल्लाह अपनी किताब बुनियतुल तालबीन के सफा नंबर 251 पे कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात का नाम अहले हदीस है, उन्होंने भी बरेलवी नहीं कहा। अगर आपको अहले सुन्नत बनना है तो अहले हदीस आपको बनना ही बनना पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा ही नहीं है। क्या तुम मानते हो उस किताब को पूरा? अच्छा चलिए अब आते हैं वापस उसी पे, सूरह फतेह की आयत नंबर 2 पे। जी आपने कहा था ना भागने आप हमको देंगे नहीं, हाँ। तो अब आप अपनी सूरह फतेह की आयत 2 का जो तर्जुमा है कि ऐ नबी हमने आपके सदके तुफैल में लोगों के अगले पिछले गुना माफ कर दिए, तो अभी तक आपने जवाब नहीं दिया कि ये लोग कौन थे, पहला सवाल तो मेरा ये आपके ऊपर बाकी है। अब दूसरा सवाल मैं कर रहा हूँ इस तर्जुमे के ऊपर, भाई तफसीर में अल्लाह के नबी की सही हदीस पेश कीजिए। सही हदीस इंशाल्लाह हसन हदीस पेश करेंगे। अच्छा हसन पेश करेंगे, चलिए हसन पेश कर दीजिए। हाँ नहीं तो अभी तो मतलब दोबारा से मुताला करूंगा ना मैं उस तफसीर का, उसमें तफसीर में मतलब। चलिए तब तक हम आपको इस जो हमारा तर्जुमा है जो अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से तर्जुमा किया गया है, जो कुरान की अरबी के हिसाब से बिल्कुल सही तर्जुमा है, वो ये तर्जुमा है अल्लाह सुबहान व तआला सूरह फतेह की आयत नंबर 1 में फरमाता है बेशक ऐ नबी हमने आपको खुली हुई फतेह अता की, और सूरह फतेह की आयत नंबर 2 में फरमाता है कि ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले जम को माफ कर दे। अरे तो अब जम का माना कोताहियां भी होता है, गलतियां भी होते हैं, और भाई वो गुनाह भी होते हैं। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी के जम को माफ कर दिया। अब इसके ऊपर हदीस सुन लीजिए भाई, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी रातों को नमाज पढ़ते हैं, लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, कयाम करते हैं, अल्लाह के नबी के पैरों में वरम आ जाता है, तो अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं ऐ अल्लाह के रसूल आप इतनी इबादत क्यों करते हैं रातों रात को, आपके पैरों पे वरम आ गया है, आपके तो अल्लाह ने अगले पिछले गुनाहों को बख्श भाई वो बख्श दिया है, तो आप क्यों इतनी इबादत करते हैं? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी आयशा भी भाई उनका भी अकीदा ये था कि अल्लाह के नबी के अगले पिछले जो भाई वो जम्ब थे उनको अल्लाह ने माफ कर दिया, क्योंकि अच्छा ये कुरान में वाजे है। और आप अच्छा जो कह रहे हो कि अल्लाह के नबी के सदके से लोगों के अगले पिछले गुनाह माफ हो गए, तो वो लोग कौन थे? और गुनाह माफ हो गए तो इबादत करके फायदा क्या? क्योंकि इबादत आदमी इसलिए करता है क्योंकि गुनाह से बचे। बात सुनिए, आप बात सुनिए, ये जो आपने अभी हदीस पेश की है, ये हदीस आप मतलब अरबी जानते हैं मुकम्मल? आप जानते हैं अरबी? मैं नहीं जानता। तो फिर अरबी की बात ना कीजिए, आप जो जबान जानते हो बात कीजिए। हो सकता है इस हदीस में तहरीफ की गई हो सकता है, नहीं ये पक्का है कि आला हजरत ने अपने तर्जुमे में तहरीफ की है। तो तहरीफ की है उसके दलील देंगे ना इंशाल्लाह, तो दलील जब आप दीजिएगा तो टॉपिक छेड़ा कीजिए। तो क्यों कहते हैं भागना मत, भागना मत?
और अभी तो खाली तो मैंने एक ही हदीस दी है, तुमने ये कहा अभी था ना तो कि मेरे बोले भाई कि इस हमसे आयत के गुना ऊपर माफ में हो गए। इतनी हदीसें पेश कर दूंगा ना कि आपके कान से भाई खून बह जाएगा। अरे पहले ये बताइए, आप अम्बिया अलैहि सलाम को गुनाहगार मानते हैं क्या मानते हैं ये बताइए। नहीं बिल्कुल मासूम है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो प्रैक्टिकली ले ना अच्छा चिंटू, अल्लाह के नबी हमारे मासूम है, अम्बिया इसकी दलील क्या है आपके पास? न दलील है, क्या है हदीस में है, हदीस सुनाएंगे इंशाल्लाह और उसका मतलब हवाला भी कुरान देंगे। में नहीं है दलील? अरे तो बहुत सी ऐसी चीजें कुरान में नहीं है, हदीस से मिलती हैं, सारी चीजें कुरान में। नहीं कुरान में है ना, लेकिन आपको नहीं मालूम कुरान में दलील है? अरे ये तो तुम तो यही आयत पेश करोगे ना, तो यही तो दलील है तूने अल्लाह के पता। नबी के मासूम होने की। अरे भाई ये अल्लाह के तो नबी तुम लोगों का मासूम है, अकीदा है ना, इसकी वाजे दलील है सूरह फतेह की आयत अंबिया नंबर दो उलिया कि मासूम अल्लाह होते ताला ने हैं। अपने नबी के अगले पिछले जम को माफ कर दिया, तो अल्लाह के नबी ये मासूम हदीस हो मैंने गए। उलमा इकराम से कसरत से सुनी है कि अंबिया और अल्लाह के फरिश्ते मासूम होते हैं। अच्छा एक अच्छा प्रैक्टिकली तो तौर पर आदम मैं अलैहि आपको सलाम समझाना की चाहता हूँ। गलती भाई काहे के लिए हो गई थी, गुनाह कैसे हो गया था? हाँ तो बताता हूँ ना उसके बारे में, नहीं तो शुरू बताइए। से समझा दूँ फिर। अच्छे बताइए, अल्लाह तबारक ताला और आदमी है इब्राहिम ना, अलैहि सलाम ने झूठ क्यों बोला था? किस बात पर? नहीं अभी आपने कहा ना अम्बिया अलैहि सलाम से कोई भी मतलब गुनाह गलती नहीं होते हैं, वो मासूम होते हैं। हाँ तो अम्बिया अलैहि सलाम मतलब हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने झूठ बोला था, किस कौन सा वाक्य था वो? हाँ तो यही तो आपको मालूम नहीं है ना मेरे भाई, इसीलिए कह रहे अरे हैं पहले नहीं तो पढ़ लिया आप, कीजिए नहीं नहीं तो आप जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो ये भाई बताइए हमारा कौन सी अकीदा बादशाह ये है हजरत कि इब्राहिम अलैहि सलाम को तमाम झूठ बोला था? अम्बिया अलैहि सलाम मासूम है, लेकिन इसकी दलील वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में है। आदम अलैहि सलाम से गलती हुई तो अल्लाह सुबहान व तआला ने आदम अलैहि सलाम को तौबा के कलिमा सिखाए, रब्बना जलमना अरे अनफुसना, हेलो तो हेलो अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम की तौबा को कबूल किया और माफ कर दिया। तो हमारा अकीदा अच्छा आज की अच्छा डेट अच्छा में ये है कि आदम अलैहि सलाम मासूम है, अल्लाह के नबी से भी नमाज में भूल चूक हुई, गलतियां हुई, अल्लाह के नबी ने शहद को अपने ऊपर हराम कर लिया, तो अल्लाह ताला ने तंबी में कुरान की आयत को नाजिल किया, तो अल्लाह के नबी से भी छोटी मोटी भूल चूक कौन सी होती आयत, थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अल्लाह के कौन से नबी पानी की में आयत नाजिल तमाम फरमाई? कोताहियों को गलतियों को माफ कर दिया, तो अल्लाह के नबी भी भाई वो मासूम हो गए। इब्राहिम अरे अलैहि भूल तो सलाम किन है? ने जी छोटे छोटे बुतों को तोड़ दिया, और जब लोग आए और इब्राहिम अलैहि सलाम से पूछा कि ये क्या हो गया, किसने तोड़ा, तो इब्राहिम अलैहि सलाम ने कहा कि जो ये बड़ा बुत है उसने भाई इन छोटे बुतों को तोड़ दिया। तो ये अरे भी तो वो एक याद, तरीके का झूठ है, लेकिन ये मतलब ऐसा झूठ नहीं है, ये झूठ जायज झूठ है। ये झूठ चुनकी पर्दाफाश करने के लिए कहा था ना हजरत तो वही इब्राहिम तो अलैहि मैं सलाम कह रहा हूँ, ने, लेकिन भाई शामिल ये तो हुआ झूठ ये वो झूठ में झूठ नहीं ना। है जो मकर फरेब के लिए बोला जाता है। अरे मेरे भाई झूठ कहाँ कहाँ जायज है आपको मालूम भी है? भाई मुझे मालूम है, कहाँ कहाँ जायज है झूठ बताइए। जब झूठ के अलावा कोई चारा ही नहीं रहेगा आदमी के पास, तो वहां पे झूठ बोल सकता है? अच्छा झूठ के अलावा कोई चारा ही नहीं, मतलब आपको पुलिस ने पकड़ लिया और आप चरस बेचते हो, तो आपने झूठ बोल दिया कि भाई हम नहीं चरस बेचते हैं, तो ये झूठ तो ऐसे आपका कैसे जायज हो हो जाएगा, जब जाएगा। जब माल हमारे साथ बरामद होगा साथ में, तो हम कहते कह रहे हैं आप मतलब हम असलियत कह में सकते हैं। चोर हो, आप असलियत में चरस पीते हो, लेकिन जब पुलिस आपको पकड़ लिए तो आपने महज अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल दिया। और अल्लाह के नबी तो फरमाते हैं कि मुसलमान कंजूस हो सकता है, मुसलमान डरपोक हो सकता है, लेकिन मुसलमान कभी झूठा नहीं हो सकता। तो फिर झूठ झूठ भी बोल सकता आदमी, अगर झूठ जितनी इजाजत है भाई ना, झूठ तीन कंडीशनों में बोल सकते हैं, ये आपको बता दे रहे हैं आपके काम आएगा। जान बचे तब भी बोल सकते हैं, अरे जान बचाने के लिए झूठ क्यों बोलेगा मेरे भाई? नहीं बोल सकते? नहीं अच्छा तो कहाँ पे बोल सकते हैं बताइए, रोटी हाँ लोग को जैसे खिलाने के लिए तो बोल सकते हैं। देखिए झूठ कहाँ कहाँ पे बोल सकते हैं। एक तो मेरे भाई जंग, जंग में हम झूठ बोल सकते हैं, जंग एक धोखा है ठीक, हाँ तो उसमें उसमें तो हम झूठ बोल सब्जी सकते हैं। जाएगी, सब्जी दो जाएगी उसमें तो, भाई दो लोगों में सुलह कराने के लिए हम झूठ हाँ बोल सकते तो हैं दिल मिलाने के लिए बोल सकते हैं। ठीक। और तीसरा हो गया कि इस्लाम की मतलब भाई वो हक्कानियत को साबित करने के लिए झूठ बोल सकते हैं, जैसे मसीहत इब्राहिम अलैहि बोल सकते सलाम हैं, से साबित है कि उन्होंने छोटे बुतों को तोड़ दिया, और जब लोगों ने पूछा ये इसको किसने तोड़ा, तो उन्होंने भाई वो बोल दिया कि इब्राहिम अलैहि सलाम ने कि जो ये बड़ा बुत था उसने छोटे बुतों को तोड़ दिया। तो ये उन्होंने कोई अपनी जान बचाने के लिए झूठ नहीं बोला, अपने फायदे के लिए झूठ नहीं बोला, उन्होंने लोगों की इसलाह करने के लिए कि हाँ देखो तुम्हारे बड़े बुतों ने छोटे बुतों को तोड़ दिया, इस हक्कानियत को साबित करने के लिए इस जुमले का अदा किया। तो इसको शरई तौर पे झूठ हम नहीं बोलेंगे।
लेकिन ये है झूठ। ये तो हम मानते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम से भूल होना ये तो साबित है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई, क्यों हुई? तो शैतान ने आपको बहका दिया, तो अल्लाह ताला ने माफ भी तो किया ना। हाँ, आज तो की तारीख तो में फरिश्ते जो हैं वो मासूम हैं और जो अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात है वो मासूम है, ठीक। हाँ, तो ये तो ये लेकिन अब मासूम साबित करने के लिए हम कुरान की आयत का तर्जुमे में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अल्लाह ताला तो कह रहे हैं हमने अपने नबी के अगले पिछले जम को माफ कर दिया, तो इसमें तो अपनी अकल हम नहीं घटोड़ेंगे कि नहीं अल्लाह ने अल्लाह के नबी के सदके से लोगों के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। तो हम जबरदस्ती तो अल्लाह के नबी को गुनाहों से बचाने के लिए हम भाई कुरान की आयत नहीं चेंज कर देंगे। नहीं तो उसमें तो ऐसे मान लो अगर आपके मुताबिक तो फिर सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया, वो सारे अंबिया के लिए कब हुई वो आयत? अरे तो मेरे भाई एक लाख चौबीस हजार कमा बोझ भाई पैगंबर आए हैं, तो क्या सबके नाम है कुरान में, सबके बारे में आया है? अरे अट्ठाईस के, अट्ठाईस सत्ताईस अट्ठाईस के तो है लगभग, है सत्ताईस अट्ठाईस अंबिया पच्चीस पैगंबरों के नाम है, पच्चीस के हैं, पच्चीस के। हाँ हाँ, मैंने सही से गिनती नहीं किया, मतलब ये अरे चलो गिनती कोई बात नहीं, कहने का मतलब ये है कि हम जिसकी उम्मत में जिसके ऊपर कुरान नाजिल हो रहा है उसको ये बशारत दी जा रही है अल्लाह की तरफ से, ये एक तोहफा है कि अल्लाह ताला कह रहा है ए नबी हमने आपके अगले पिछले जम को माफ कर दिया। ये तो अल्लाह के नबी के लिए तोहफा था। अच्छा, अल्लाह तो के नबी ऊटनी के ऊपर तो बैठ के इस आयत को भाई वो एकदम अपने में ही भाई वो जोर जोर से भाई वो गुनगुनाते थे, इन्ना फतहना, पूरी इस आयत को गुनगुनाते थे। वो बहुत खुश थे कि अल्लाह ताला ने उनके अगले पिछले जम को माफ कर दिया और आप लोगों तो ने उसका तर्जुमा ही बदल दिया। हमें कितने बड़े गुस्सा तो मेरे भाई तुम लोग, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए जो मतलब ज्यादा रोया करते थे, ये उम्मत के लिए ज्यादा रोया करते थे। अरे बशारत पे तो भाई वो खुश होगा, अभी आपको प्रधानमंत्री योजना से आपको पांच लाख रुपए मिल जाए तो आप खुश नहीं होगे, रोगे, अरे वापस कर दोगे, मातम करोगे, कपड़े फाड़ दोगे। उसी तरीके से अल्लाह सुबहानो ताला की तरफ से अल्लाह के नबी को बशारत मिली थी कि अल्लाह ने अगले पिछले जम को माफ कर दिया, तो अल्लाह के नबी भी खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो इंसानी फितरत है ना, अगले पिछले अपने मतलब जो उम्मती थे उनके गुनाह को। अच्छा भाई आपसे बहुत देर बात हो गई मेरे भाई, अब कान में मेरे दम नहीं बचाया, आप तो खाली टाइम पास करने के लिए बैठ जाते हो, मेरे को और भी काम है। और दलील के साथ बात होगी, ठीक है, अब जब दलील आपके पास आ जाइएगा तभी फोन कीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अच्छा ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।